अपनी पत्नी से कभी भी ना कहें ये बातें। पति पत्नी में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है। हर पति की शिकायत रहती है कि पत्नी को छोटी बात भी बुरी लग जाती है, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की पत्नी अक्सर क्यों नाराज़ हो जाती है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शादीशुदा पुरुष को अपनी पत्नी से बात करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं इसी बारे में। नंबर एक पर है, मेरी माँ से सीखो। हो सकता है कि आपकी माँ की तरह या आपकी बहन की तरह आपकी वाइफ खाना ना बनाती हो, या फिर उनके काम में वो परफेक्शन ना हो जो आपकी अपनी माँ में दिखता हो। ऐसे में उन्हें बात बात पर यह एहसास कराना कि वो उनसे किसी बात पर कम है, ये ठीक नहीं है। हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है और कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। इस बात को समझते हुए उन्हें इस बात पर ताने मारना बंद कर दें। नंबर दो, हाँ तुमने क्या कहा। अगर बातचीत के दौरान आप अक्सर ये लाइन बोलते हैं तो मुमकिन है कि शायद आप अपनी पत्नी की बात सुन ही नहीं रहे थे। हर कोई चाहता है कि उन्हें सुना जाए, समझा जाए, लेकिन आप अगर अपनी पत्नी की बात में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे तो ये आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। तीसरी बात है, तुम बच्चों को ज़्यादा ठीक से संभालती हो। इसका तो कहीं ना कहीं ये मतलब है कि आप बच्चों की जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते हैं। हर महिला चाहती है कि घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बच्चों की परवरिश में भी आप उसका साथ दें। ऐसे में अगर बच्चों की जिम्मेदारी आप पूरी तरह से अपनी वाइफ पर डाल देंगे तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे उचित ठहराएंगे। नंबर चार, शादी करके पछतावा। किसी भी पति को अपनी पत्नी से ये बात नहीं करनी चाहिए कि मुझे तुमसे शादी करके पछतावा हो रहा है। ये बात आपकी पत्नी के मन में बैठ सकती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। कई बार लड़ाई में हो सकता है कि आपके मुँह से ये निकल जाए, लेकिन जितना निगेटिव ये शब्द है उससे कहीं ज़्यादा है इससे उत्पन्न होने वाली इनसिक्योरिटी। वो कहते हैं ना कि मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं जा सकते, बस इसे ऐसे ही समझिए। हो सकता है कि गुस्से में आपके मुंह से ये वाक्य निकल गया हो, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि इस एक वाक्य से आपकी बीवी के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। नंबर पाँच, पहले की तरह अब नहीं है रिश्ता। वो पुरानी यादें, वो नोकझोंक, अपने बीते हुए दिनों को याद करना किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आपके टोन में शिकायत हो तो ये किसी भी रिश्ते में कड़वाहट ला सकता है। इस बात को समझिए कि आपकी पत्नी अब इन सालों में शायद एक माँ भी है। हो सकता है कि ऑफिस, घर, बच्चा, कई जिम्मेदारियों से वो घिरी हुई हो। ऐसे में उसका स्ट्रेस लेवल भी बड़ा होगा, कई हार्मोनल चेंज भी आए होंगे। तो कंप्लेन ना करके चीज़ों को मैच्योरली सुलझाने में ही समझदारी है। नंबर छः, तुम पहले कितनी सुंदर और पतली थी। ये कहकर ये बिल्कुल भी मत समझिए कि आपकी पत्नी इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेगी। इस वाक्य से साफ जाहिर है कि वर्तमान में आपकी पत्नी कैसी है। आप उससे खुश नहीं हैं और जाहिर है किसी भी महिला को ये जानकर खुशी नहीं होगी। आप अपनी पत्नी को मजाक में भी उनकी बॉडी को लेकर नेगेटिव बातें ना कहें। नंबर सात, क्या तुम ये पहनने वाली हो। आपको पार्टी में जाना है और आपकी बीवी ने एक पुरानी और फेवरेट ड्रेस मैचिंग ज्वेलरी के साथ तैयार रखी है। अब जबकि उन्होंने इस ड्रेस को पहनने का पूरा मूड बना लिया है तो आपकी इस बात से उन्हें ये साफ इंडिकेशन मिल जाएगा कि शायद वो इस ड्रेस में अब पहले की तरह अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आपने एक दिन पहले उनसे इस बारे में बात कर ली होती और टैक्टफुली अपनी बात रखी होती तो शायद बिना बुरा लगे वो इस बात को आसानी से हैंडल कर लेती। नंबर आठ, घर पर तुम करती ही क्या हो। कई पुरुषों की आदत होती है कि ऑफिस से जाते ही वो अपने पत्नी को ताना मारते हैं कि तुम पूरे दिन करती ही क्या हो, मेरे पास हजारों काम है। ये बात गलती से भी पत्नी को ना कहें। हाँ ठीक है कि आप सुबह घर से निकलते हैं और फिर शाम को ही थके हारे घर आते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आपकी वाइफ
घर पर सिर्फ आराम कर रही है, वो हाउसवाइफ नहीं होम मेकर है, और ये बात आपको समझना और याद रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 9, ये मेरा काम नहीं है। घर में तो हर काम मिल बांट कर होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, तो आपकी पत्नी के मन में भी कई सवाल उठते हैं, कौन सा काम किसका है और किसका नहीं। ये तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन हाँ ये बात साफ़ है कि दोनों मिलकर जब घर की जिम्मेदारी उठाएंगे तो आपका घर बन जाएगा स्वीट होम। नंबर 10, क्या तुम ये खाने वाली हो? किसी पार्टी में या रेस्टोरेंट में अगर आपकी पत्नी ने कुछ ऑर्डर किया है, तो जाहिर है आज अपने डाइट प्लान से उन्होंने ब्रेक लिया हो। ऐसे में आपका ये पूछना ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपको उनकी चिंता है, लेकिन उन्हें हर बार अपना मन मारना पड़े, इस बात का भी ख्याल रखें। नंबर 11, जैसा कि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके घर वालों की रिस्पेक्ट करे, किसी की बुराई ना करे, ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी से उसके घर वालों की बुराई करते हैं, तो ये बातें उसे ज़रा भी पसंद नहीं आती हैं। 12, एक्स गर्लफ्रेंड की तारीफ। पत्नी के सामने कभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या किसी दूसरी महिला मित्र की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी से किसी दूसरी महिला की तारीफ करते हैं, तो इस बात से भी आपकी पत्नी नाराज हो सकती है। बेहतर है आप अपनी पत्नी की तुलना किसी और से ना करें। नंबर 13, इन्हीं सब बातों को अगर ज्योतिष के अनुसार से समझें, तो हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह को पत्नी का कारक ग्रह माना जाता है, जिसके कारण हमें जीवन में लग्जरी, सुख सुविधा, धन, आकर्षण और कंफर्ट मिलता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि भूल कर भी पत्नी के साथ गलत व्यवहार ना करें, वरना आपका लग्जरी एंड कंफर्ट सब पीड़ित होगा। इसलिए पत्नी से कभी गलत ना बोलें। पत्नी खुश तो वीनस आपके साथ है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।